16 दिन पहले बच्चा दिया है और ना उसके इतना अच्छा अडर है और वो दूध ही नहीं दे रही है, तो यार ये बहुत ही बड़ी समस्या है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे जब बिल्कुल दूध नहीं दे रही है ना। तो यहाँ एक विशेष बात मेरे दिमाग में आ रही है कि उसको कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि उसका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो गया है। तो एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, भैंस का एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आपको एक सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए और उस सिरप का नाम है हिम शक्ति। यहाँ पर मैं एनर्जी टॉनिक की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप हिम शक्ति लें, आप एनर्डाइना एडवांस ले सकते हैं, आप ई बूस्टर ले सकते हैं, आप ग्लूका बूस्ट ले सकते हैं, कोई सा भी एनर्जी बूस्टर आप लीजिए 200 ग्राम और यानी दिन में एक बार आप 200-200 ग्राम इसको दीजिए। और लेवल एकदम से गिरा है इसलिए आपको जो कैल्शियम के जेल आते हैं किसी भी कंपनी का कैल्शियम जेल ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 ग्राम की आती है, 3 दिन तक 300 ग्राम ओडी यानी दिन में एक बार 300 ग्राम देनी है और 3 दिन तक देनी है। ये आपको 5 दिन तक देनी है, ये 5 दिन तक देनी है। कैल्शियम की जेल है वो आपको 3 दिन तक देनी है। ये करने के साथ साथ आप संतुलित आहार दीजिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और लिक्विड कैल्शियम ये जब जेल लग जाती है ना 3 दिन, उसके बाद कोई सा भी अच्छी कंपनी का लिक्विड कैल्शियम ला करके और उसे शुरू कर दीजिएगा। खान पान में आप ये ज़रूर देखिए क्या उसके मेले गिरे कि नहीं गिरे, 16 दिन हो गए। अगर मेले नहीं गिरे हैं तो अपना जो फॉर्मूला है गुड़ अजवाइन हल्दी सौंठ जीरा, वो उस फॉर्मूले को आप 3 या 4 दिन इस्तेमाल करवा लीजिए तो बच्चेदानी की कंप्लीट सफाई होगी और वहाँ पर भी आपको इसमें मदद मिलेगी बहुत अच्छी। इसके बाद ये जब काम आपने सारा किया हिम शक्ति कैलब जेल, तो खान पान को प्रॉपर कर लीजिए और खान पान में जो पीली सतावर आती है ना उसको आप ज़रूर ऐड कीजिए भाई, ये बहुत अच्छी रहेगी। अगर पीली सतावर 50-50 ग्राम आप पीली सतावर देते रहिए और साथ में जब संतुलित आहार दे रहे हैं तो उसमें सोयाबीन जरूर मिलाइए। सोयाबीन की सीड आप लेकर के आ जाए मार्केट से और वहाँ उसको जितना भी आप जैसे 10 किलो लेके आए तो रोज़ आधा आधा किलो दे रहे हैं 20 दिन तक देंगे, तो उन 10 किलो को एक साथ ही भून लीजिए, तवे पे सेक लीजिए और भूनने के बाद उन्हें मोटा पिसवा लीजिए और रोज़ आधा केजी देते रहें। तो सोयाबीन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो 50 ग्राम रोज़ आप ये देंगे और 500 ग्राम रोज़ आप सोयाबीन देंगे। ये अगर मैटर आपने संतुलित आहार के साथ किया तो भाई जो भैंस बिल्कुल दूध नहीं दे रही है, अडर भी जिसका कमज़ोर है श्योरली दूध देने लग जाएगी और उसका अडर भी बहुत ही शानदार हो जाएगा। आप अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 1234 OTP लगा लीजिए और उसके फ्री लाइव में जाकर के प्रश्न कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन।